टॉप 5 बेस्ट सुपर एमोलेड फोन्स अंडर 12,000 रुपीस। जी हाँ गाइस, धीरे धीरे यहाँ पर हर कोई सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन्स को परचेस करना पसंद कर रहे हैं। सो ऐसे में अगर आप भी कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आपको समय बिताना अच्छा लगता है, सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ ऐसे 5 स्मार्टफोन्स। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, सो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमने जितने भी स्मार्टफोन्स को पिक किया हुआ है सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको इसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें वहां से जाकर के चेकआउट और परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों स्टॉक यूआई भी अच्छा लगता है और उन्हें कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले भी चाहिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटोरोला का G42। आप यहाँ पर मल्टीमीडिया के लिए कोई अच्छा सा फोन लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला काफी कमाल का पैकेज है। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के काफी अच्छे दिए गए। वैसे हल्के फुल्के वाटर और डस्ट के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.4 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड की पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 700 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास दिए गए, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 MM बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट, जो कि दोस्तों इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। लगभग आपको यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर दे देता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 20 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको मिलता है यहाँ पर एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत ही जल्द मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कम प्राइस पर अच्छा सा मल्टीमीडिया पैकेज परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपए। पर अगर आप यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मोटो G52 को भी कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको प्लास्टिक ओलेड पैनल मिल जाती है और वो भी 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट के साथ में आती है। सो यहाँ पर जो बाकी की स्पेसिफिकेशन गाइस वो तो सेम है, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। सो अगर आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले फोन की दोस्तों। अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर इन्फिनिक्स का Note 12। आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ काफी लाइट वेट और काफी स्लिम फोन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड की पैनल, 1000 निट्स की ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और आपको यहाँ पर एक QVGA सेंसर भी दिया गया है। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें सो फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G88 का चिपसेट, हालांकि 12 nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ गेमिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी कराता है। दोस्तों ये फोन भी अंततः पर लगभग 2,40,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UMCP वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो इस फोन के बैक साइड में भी आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, जहां पर आपको DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट मिलेगा। और हाँ दोस्तों, यहां पर भी आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे ये फोन रन करता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी आपको यहां पर मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी फोन अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4 और 64 के लिए इस समय आपको देने होंगे लगभग 11,000 रुपए। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। और दोस्तों अगला जो स्मार्टफोन है भाई, ये भी काफी अच्छा ऑलराउंडर पैकेज है और ये स्मार्टफोन आता है Redmi का Note 11।
डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वहीं पर फोन के डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.43 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली AMOLED की पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 1000 निट्स की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 4 कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। और वहीं पर अगर हम स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट, जो कि आता है 6nm की फैब्रिकेशन पर, लेकिन आपको इस बजट के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अंतुतु की बात करें तो लगभग 2,75,000 के आसपास ये स्मार्टफोन स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती है, साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर स्मार्टफोन के पावर हाउस की बात कर लें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का यहाँ पर अच्छा है। तो चलिए कुछ अदर फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन एंड्रॉइड 12 का अपडेट बहुत ही जल्द इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप इस फोन की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बात करें प्राइसिंग की तो 464 के लिए इस समय आपको देंगे लगभग 12,000 रुपए अगले फोन की तरफ। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन फोन बहुत ही जबरदस्त है और ये फोन है यहाँ पर पोको का M4 Pro 4G। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा है और काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED वाली पैनल मिलेगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन लगा हुआ है, 1000 निट्स की हायर ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन की बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरा मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, हालांकि आपको यहाँ पर ओमनीविजन का सेंसर दिया गया है, बट इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। डे लाइट में फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे आपको यहाँ पर फीचर्स वगैरह भी काफी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G96 चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट भी 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है और लगभग आपको यहाँ पर G95 जैसी परफॉर्मेंस देता है। तो डेली टास्क के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का बहुत अच्छा है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन आपको यहाँ पर MIUI 13 मिलता है। सो देखा जाए तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, ऑलराउंडर है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 64 के लिए इस समय को देने होंगे 11,999 रुपए। और फाइनली जो बात करते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की, हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही कमाल की है और ये फोन है सैमसंग का गैलेक्सी M32 4G। उनकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोस्तों आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और ये फोन आता है 6.4 इंचेस की सुपर AMOLED पैनल के साथ में, जहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। 800 निट्स की आपको यहाँ पर हायर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिलती है। सो बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में 4 कैमरा लगे हुए हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और यहाँ पर आपको सैमसंग का ही सेंसर मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया। फोन का कैमरा सेटअप दोस्तों बहुत अच्छा है, इमेज आउटपुट में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरे से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G80 चिपसेट, जो कि ठीक ठाक लेवल की परफॉर्मेंस आपको देगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराएगा। इसके साथ साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिलने वाली है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000mAh का बड़ा बैटरा मिलेगा और 15W की चार्जिंग, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिलेगी। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन यहाँ पर भी आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट बहुत ही जल्द मिल जाएगा। सो दोस्तों देखा जाए तो कैमरा के मामले में ये फोन भी बहुत कमाल का है। बात करें प्राइसिंग की तो 464 के लिए अभी आपको लगभग 12,000 रुपए तक पे करने पड़ेंगे और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली एक काफी अच्छा ऑप्शन है। सो आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं।
फाइनली अब बात करते हैं कि आपको कौन से फोन की तरफ देखना चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक ट्रूली मल्टीमीडिया स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो रेडमी का नोट 11 और मोटोरोला का G42 या फिर G52, ये तीनों ही आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही कमाल के ऑप्शन है। पर अगर आप यहाँ पर अच्छे कैमरास चाहते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी भी टॉप नॉच चाहिए तो आप पोको के M4 Pro 4G, सैमसंग के गैलेक्सी M32 को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चीप प्राइस पर एक अच्छा सा मल्टीमीडिया पैकेज लेना चाहें तो इन्फिनिक्स का नोट 12 भी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस, ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं लगभग 12,000 रुपये की प्राइस पर, और सभी के लिंक्स दोस्तों इसी वीडियो के व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जाकर के चेकआउट और परचेस कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।